नमस्कार एंड वेलकम टू एच टी वी सिंपली वॉच एंड लर्न इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ टू बिकम एन अमेचर रेडियो ऑपरेटर दैट इज हैम ऑपरेटर इन इंडिया तो चलिए शुरू करते हैं सो वी विल डिस्कस द करेंट रूल पोजिशन फॉर ग्रांट ऑफ हैम ऑपरेटर लाइसेंस इन इंडिया इंडिया में ए एस ओ सी लाइसेंस के रूल्स और रेगुलेशन को समझने के लिए हमको चार गजट नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना होगा दीज गजट नोटिफिकेशन आर द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ अमेचर सर्विस रूल नाइनटीन सेवेंटी एट That is GSR 1499 slash 78 dated 25th October 1978. Second gadget notification is the Indian Wireless Telegraph Amateur Service Amendment Rule 1984. That is GSR 1225 slash 84 dated 17th October 1984. And third one is the Indian Wireless Telegraph Amateur Service Amendment Rule 2005. That is GSR 385E dated 9th June 2005. एंड लास्ट वन इज़ द इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ अमेचर सर्विस अमेंडमेंट रूल 2009 दैट इज जी एस आर टू एट्टी डेटेड फर्स्ट अप्रैल 2010 सो दीज फोर गजट नोटिफिकेशन डिफाइंस ऑल द रूल्स एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग अमेचर सर्विस इन इंडिया तो हम एक एक करके डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे बट दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हाउ टू बिकम हैम ऑपरेटर इन इंडिया व्हाट आर दी प्रोसीजर्स हाउ टू अप्लाई थ्रू सरल संचार व्हाट आर दी पेमेंट मेथड्स हाउ टू मेक पेमेंट थ्रू भारत कोर्स व्हाट आर दी सेंटर्स हाउ टू अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन ऐसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो लोगों के दिमाग में आते हैं तो मेरा विश्वास है कि अगर आप ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे और आप कैसे अप्लाई करना है कैसे पेमेंट करना है क्या क्या एग्जाम पैटर्न्स होंगे इसके बारे में पूरे अच्छे से समझ पाएंगे लेटस स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन हु कैन बिकम ए हैम ऑपरेटर इन इंडिया दैट इज एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर ए लाइसेंस इन इंडिया अर्थात इंडिया में हैम ऑपरेटर बनने के लिए क्या योग्यताएँ होनी चाहिए तो उसके लिए योग्यता है कि एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुई जब अब ट्वेल्व ईयर्स ऑफ एज कैन बिकम ए हैम ऑपरेटर लेकिन इसके लिए करना क्या होगा इसके लिए एक एग्ज़ाम पास करना होगा जिसको ए एस ओ सी एग्जामिनेशन कहते हैं आइदर फॉर रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड और फॉर जनरल ग्रेड अब अगला प्रश्न आता है कि अगर मैं अट्ठारह साल से तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ तो आंसर है यस yes. लेकिन जो भी अप्लीकेंट बारह से अट्ठारह साल की एज में है वो रिस्ट्रिक्टेड या जनरल ग्रेड के लिए अप्लाई करने से पहले अपने पेरेंट से गार्जियन से जो भी लीगल गार्जियन है उनका उनसे एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में एक अंडरटेकिंग देना होता है अंडरटेकिंग या सर्टिफिकेट में यही लिखा होगा कि यू आर इंटरेस्टेड एंड कंपिटेंट टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट इन वायरलेस टेलीग्राफी तो रूल में क्या लिखा है गवर्नमेंट में ग्रांट टू दी बोनाफाइड एक्सपेरिमेंटर्स बिटवीन दी एज ऑफ ट्वेल्व एंड एटीन ईयर्स जनरल आर रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड प्रोवाइडेड दैट ए सर्टिफिकेट फ्राम हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर फ्रॉम हिज हर लीगल गार्जियन अप्लाई एनी और सर्टिफिकेट। अर्थात जिनकी उम्र अठारह साल से अधिक है वो लोग बिना किसी अंडरटेकिंग या सर्टिफिकेट के अप्लाई कर सकते हैं आदर फॉर स्ट्रिक्टेड ग्रेड और फॉर जनरल ग्रेड इसके अलावा गवर्नमेंट बहुत सारे अमेचर रेडियो सोसाइटीज को क्लब को स्कूल्स को कॉलेज को इंस्टीट्यूट को और यूनिवर्सिटीज को भी जिनका उद्देश्य रेडियो कम्युनिकेशन टेक्निक्स में लोगों को ट्रेन करना तथा रेडियो फील्ड में रे इन्वेस्टिगेशन वगैरह करना है ऐसे यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस क्लब्स को भी गवर्नमेंट लाइसेंस ग्रांट करती है लेकिन यहाँ एक चीज़ नोट करना है कि जो भी लाइसेंस दिया जाता है वो किसी भी क्लब या यूनिवर्सिटी या भी इंस्टीट्यूट के कस्टोडियन को मिलता है और कस्टोडियन इट्सल्फ शुड बी हैम ऑपरेटर अगर वो खुद हैम ऑपरेटर नहीं है कस्टोडियन तो उस इंस्टीट्यूट उस क्लब को नहीं मिलता है तो इस प्रकार से गवर्नमेंट में ग्रांट अमेचर रेडियो ऑपरेटर लाइसेंस टू तो एन अमेचर रेडियो सोसाइटी क्लब आर स्कूल कॉलेज आर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन इंडिया विच हैज़ एन एम ऑफ इन्वेस्टिगेशन इन द फील्ड ऑफ रेडियो आर द ट्रेनिंग ऑफ पर्सनस इन द रेडियो कम्युनिकेशन टेक्निक्स लाइसेंस बी इशूड इन दी नेम ऑफ एन अथोराइज ऑफिशियल हैम ऑपरेटर ऑफ सोसाइटी क्लब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा अदर देन दिस गवर्नमेंट में रिकोगनाइज एंड ग्रांड द लाइसेंसेस टू दिनर्स ऑन द रेसिप्रोकल बेसिस इफ दे आर हैविंग सिमिलर लाइसेंसेस और सर्टिफिकेट इशूड बाई ए कंपिटेंट अथॉरटी इन एनी अदर कंट्री तो अभी तक हमने देखा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तीन विभिन्न तरह के लोगों को लाइसेंस देती है एक तो इंडियन सिटीजन्स को दूसरा किसी भी इंडियन इंस्टीट्यूट्स को कॉलेज को क्लब को सोसाइटी को तीसरा किसी भी फार्नर्स को जिसके पास ऑलरेडी इस तरह का किसी दूसरी कंट्री का लाइसेंस है उसको रेसिप्रोकल बेसिस में अब यहाँ हम थोड़ा सा पुराने प्रोसीजर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे बिफोर 2005 थाउजेंड फाइव वेयर फाइव कैटेगरी ऑफ लाइसेंसेस Which were namely Advanced Amateur Wireless Telegraph Station License. Second one was the Amateur Wireless Telegraph Station License Grade 1. Third one was the Amateur Wireless Telegraph Station License Grade 2. And fourth one was the Restricted Amateur Wireless Telegraph Station License. And fifth one was the Short Wave Listeners Amateur Wireless Telegraph Station License. इसमें लास्ट जो है शार्ट वेब लिस्नर्स अमेचर वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन लाइसेंस पहले जो लोग भी शार्ट वेब पे रेडियो सुनते थे उनके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता था बट इन 2004 थाउजेंड फोर द न्यू टेलीकॉम पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर दैट आल दीज फाइव कैटेगरी ऑफ लाइसेंसेज वे आर कन्वर्टेड इंटू टू कैटेगरी ऑफ लाइसेंसेज फर्स्ट वन इज अमेचर वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन लाइसेंस जनरल ग्रेड एंड सेकंड वन इज़ अमेचर वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन लाइसेंस रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड 2005 से पहले जिन लोगों का उम्र 14 से 18 वर्ष के बीच में था वो लोग अमेचर वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन लाइसेंस ग्रेड वन के लिए ही केवल एलिजिबल थे और जिन लोगों का उम्र 12 से 18 वर्ष के बीच में था वो लोग अमेचर वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन लाइसेंस ग्रेड टू या रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड या साठ वेब लिसनर्स अमेचर वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन लाइसेंस के लिए एलिजिबल थे उस समय एडवांस्ड ग्रेड मेचर वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन लाइसेंस के लिए वही लोग एलिजिबल थे जो लोग या तो दो साल तक ग्रेड वन में या तीन साल तक ग्रेड टू में हैम ऑपरेटर रह चुके हों अब दो ग्रेड हैं एक जनरल ग्रेड दूसरा रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड आप एग्जाम पास करके किसी भी ग्रेड का लाइसेंस ले सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ टू अप्लाई फॉर ए एस ओ सी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ऑफ़ टेली कम्युनिकेशन हैज रिसेंटली लॉन्च ए पोर्टल फॉर ऑनलाइन फाइलिंग ऑफ अप्लीकेशन फॉर अमेचर रेडियो लाइसेंसेस एंड फॉर एग्जामिनेशन ऑल्सो विच इज़ सरल संचार सो यू आर एल ऑफ सरल संचार इज सरल संचार डॉट जी ओ वी डॉट आई एन कैंडिडेट हैज़ टू अप्लाई थ्रू दिस ऑनलाइन पोर्टल बाई रजिस्टरिंग दैम सेल्फ वंस ऑन पोर्टल थ्रू यूजर नेम एंड पासवर्ड आफ्टर लॉग इन वन कैन अप्लाई फॉर दी एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर इशुस ऑफ द लाइसेंस रिन्यूअल सर्टिफिकेट डुप्लीकेट लाइसेंसेस एंड फॉर दर्मानेंट चेंज ऑफ द लोकेशन आल्सो एज द केस मे बी इस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने एक रिसेंटली नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम सरल संचार है उस पर आप रजिस्टर हो के एक बार यूजर नेम पासवर्ड बनाने के बाद लॉग इन करके आप एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं रिन्यूअल सर्टिफिकेट के लिए लाइसेंस के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस के लिए या चेंज ऑफ लोकेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर दी वेरियस कैटेगरीज एंड फी ऑफ एग्जामिनेशन देन आंसर इज ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर एनी ऑफ दी कैटेगरीज जनरल ग्रेड एंड फी फॉर एग्जामिनेशन फॉर दोथ दटेगरीजी हंड्रेड रुपीज इफ यू आर दी कैटेगरीज यू हैव टू पे टू हंड्रेड रुपीज फॉर कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर बोथ कैटेगरीज एट ए टाइम सेल वी गिवन जनरल कैटेगरी सर्टिफिकेट ओनली तो आंसर है दो लाइसेंस की कैटेगरी हैं एक जनरल ग्रेड दूसरा रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड और दोनों के लिए प्रत्येक के लिए सौ रुपये फीस है अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करते हैं जनरल एंड रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड के लिए तो आपको 100 प्लस हंड्रेड टू हंड्रेड पे करना पड़ेगा और अगर आप बोथ कैटेगरीज के लिए एट ए टाइम अप्लाई करते हैं तो आप अगर दोनों में सक्सेस होते हैं तो ही आपको जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू पे द एग्जाम फी फॉर ए एग्जामिनेशन

पेमेंट टाइप एज एग्जाम फी फंक्शन हैड एज ए प्रोफिशियंसी सर्टिफिकेट दैट इज वन टू सेवन फाइव डबल जीरो वन ज़ीरो थ्री जीरो फाइव जीरो वन डबल जीरो लास्ट वन इज़ पी एंड डी डी ओ डिटेल हिच विल डिपेंड अपॉन द एग्जामिनेशन सेंटर यू हैव सेलेक्टेड एंड करस्पॉन्डिंग डी डी ओ कोड एंड पी ए कोड आई हैव गि इन द टेबल आई विल प्रोवाइड डिटेल्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन रिफर इट हमने जाना कि एग्जामिनेशन फ़ी कैसे पे करना है तो एग्जामिनेशन फ़ी पे करने के टाइम आपको एन पोर्टल पे जाना है दैट इज़ भारत कोस डॉट जी ओ वी डॉट आई एन लेकिन पेमेंट करने के समय आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको पर्पज क्या सेलेक्ट करना है पेमेंट टाइप क्या सेलेक्ट करना है पर्पज हेड होना चाहिए अमेचर एग्जामिनेशन पेमेंट टाइप होना है एग्जाम फ़ी फंक्शन हेड होगा प्रोफिशियंसी सर्टिफिकेट दैट इज़ वन टू सेवन फाइव डबल जीरो वन जीरो थ्री जीरो फाइव जीरो वन डबल ज़ीरो इसके लिए आपको लास्ट जो है पीएओ और डीडीओ डिटेल्स भी पता होना चाहिए वो आप जो भी सेंटर सेलेक्ट करेंगे उसके करस्पांडिंग पीए और डीडीओ कोड हमने एक टेबल में दे दिया है इसका डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे आप उसको रिफ़र कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लखनऊ एक सेंटर सेलेक्ट करते हैं तो लखनऊ के करस्पांडिंग आपको जो पी ए कोड है जीरो डबल सेवन वन डबल सेवन कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स न्यू दिल्ली ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग ऑफिसर टू जीरो वन फाइव फोर जीरो डी डी ओ सी सी ए ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि पेमेंट करने के टाइम में आप जिस एग्ज़ाम सेंटर के लिए पेमेंट कर रहे हैं उसी सी सी ए को पेमेंट करना है अदरवाइज आपका एग्ज़ाम भी किसी दूसरे सी सी ए को पेमेंट हो जाएगा और आपका अप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा अब हम देखेंगे कि पहले 2005 से पहले और अभी क्या सिचुएशन है और क्या क्या फ़ी चेंज हो गए हैं क्या क्या वैलिडिटी पीरियड चेंज हुआ है इसको एक टेबल में डिस्कस करते हैं लेटेस्ट स्टार्ट एंड वी विल कंपेयर व्हाट वाज दि सिचुएशन बिफोर 2005 एंड व्हाट इज़ प्रेजेंट सिचुएशन फर्स्ट वन इज़ लाइसेंस कैटेगरीज अर्लियर देयर वेयर फाइव कैटेगरीज दैट वाज एडवांस ग्रेड ग्रेड वन ग्रेड टू ग्रेड टू रिस्ट्रिक्टेड एंड शार्ट वेब लिसनर्स now these five converted into two categories that is general grade and restricted grade that's all and examination fee earlier was 10 rupees 20 rupees 25 rupees but now the examination fee is 100 rupees for each grade earlier period of validity was 2 year and 5 year but now the validity of license is 20 years and lifetime लाइफ टाइम मीनस अप टू द एज ऑफ एटी ईयर्स आफ्टर एटी ईयर्स वैलिडिटी ऑफ लाइफ टाइम लाइसेंस मे बी एक्सटेंडेड ऑन स्पेसिफिक रिक्वेस्ट फॉर टेन ईयर्स एट ए टाइम विदाउट एनी एडिशनल पेमेंट तो अभी तक हमने क्या देखा कि 2005 से पहले लाइसेंस कैटेगरी पाँच थी जिसमें एडवांस ग्रेड जनरल ग्रेड वन जनरल ग्रेड टू जनरल ग्रेड टू रिस्ट्रिक्टेड और साठ वेब लिस्नर्स जो कन्वर्ट होकर दो ग्रेड में चेंज हो गई जनरल ग्रेड और रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड एग्जामिनेशन फी पहले दस रुपये फॉर रिस्ट्रिक्टेड और जनरल ग्रेड टू था बीस रुपये जनरल ग्रेड वन था और पच्चीस रुपये एडवांस ग्रेड था जो चेंज होकर के सौ रुपये हो गया है फॉर ईच ग्रेड आइदर इधर रिस्ट्रिक्टेड और फॉर जनरल अगर आप दोनों ग्रेड के लिए अप्लाई करते हैं तो हंड्रेड प्लस हंड्रेड टू हंड्रेड रुपीज़ पे करना पड़ेगा और जो वैलिडिटी था पीरियड वो पहले दो साल और पाँच साल था दो हज़ार पाँच से पहले अब वो 20 साल और लाइफ टाइम हो गया लाइफ टाइम का मतलब अप टू एज ऑफ एटी ईयर्स यानी अस्सी साल की उम्र तक उसके बाद अगर आपको अपने लाइसेंस की वैधता बढ़ानी है तो आपको एक स्पेसिफ़िक रिक्वेस्ट लिखना है और बिना किसी एडिशनल पेमेंट के 10 साल के लिए एट ए टाइम आपकी वैलिडिटी बढ़ती है आफ्टर द एज ऑफ एटी ईयर्स अब है लाइसेंस फी लाइसेंस फी अभी 1000 फॉर 20 ट्वेंटी ईयर्स एंड 2000 फॉर लाइफ टाइम फॉर ईच ग्रेड इसके पहले हमने एग्जामिनेशन फ़ी देखा है एग्जामिनेशन फ़ी हंड्रेड रुपीज़ फॉर ईच ग्रेड जबकि लाइसेंस फी वन थाउजेंड फॉर ट्वेंटी ईयर्स ऑफ वैलिडिटी एंड टू थाउजेंड फॉर लाइफ टाइम वैलिडिटी फॉर ईच ग्रेड सिमिलरली द रिन्यूअल फ़ी एज ऑन डेट इज़ वन थाउजेंड रुपीज़ फॉर ट्वेंटी ईयर्स एंड नेक्स्ट वन इज पीरियड ऑफ लेट रिन्यूअल एंड सर चार्जेज पीरियड ऑफ लेट रिन्यूअल इज़ फाइव ईयर्स एंड लेट फी इज़ हंड्रेड रुपीज़ फॉर एवरी हाफ ईयर आर पार्ट देअर ऑफ तो अब पार्ट देयर ऑफ़ का मतलब समझते हैं मान लीजिए आपका लाइसेंस पंद्रह महीने के लिए रिन्यू नहीं हुआ है तो इसमें कितने हाफ़ ईयर आए टू हाफ ईयर यानी सिक्स मंथ प्लस सिक्स मंथ प्लस थ्री मंथ तो फर्स्ट सिक्स मंथ के लिए हंड्रेड रुपीज़ नेक्स्ट सिक्स मंथ के लिए हंड्रेड रुपीज़ प्लस जो थ्री मंथ्स बचा है उसके लिए भी हंड्रेड रुपीज़ चार्ज होगा तो इसलिए टोटल आपको चार्जेज़ हो गया थ्री हंड्रेड अगला है फी फॉर चेंज ऑफ लोकेशन अभी दो सौ है अगर आपको अपना लोकेशन परमानेंटली चेंज करना है तो दो सौ है और अगर आपको मोबाइल इंडोर्समेंट है तो उसके लिए भी दो सौ है फी फॉर इशुेंस ऑफ द डुप्लीकेट लाइसेंस अगर आपको डुप्लीकेट लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए हंड्रेड और आपको अगर डुप्लीकेट रिन्यूअल सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए भी हंड्रेड है नाउ दाल्स एंड ब्लॉक वी यू टू सेल वी रिजर्व फॉर दिनरल ग्रेड एंड द ब्लॉक वी यू थ्री सेल बी रिजर्व फॉर द रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू पे फॉर जनरल ग्रेड आर रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड लाइसेंस फी रिन्यूअल फी लेट चार्जेस डुप्लीकेट लाइसेंस फी सो पेमेंट शुड बी थ्रू भारत कोर्स एंड आई हैव गिवेन ए टेबल इन विच आई हैव मेन्शन द पी ए ओ कोड दैट इज जीरो डबल सेवन वन डबल एट कंट्रोलर ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स पी ए हेडक्वार्टर न्यू डेली आफ्टर मेकिंग पेमेंट थ्रो भारत कोर्स वन रिसप्टिल भी जनरेटेड यू हैव टू अपलोड दिस रिस टू दी सरल संचार पोर्टल वाईल अप्लाइंग फॉर द रिनीूल फॉर दी लाइसेंस फॉर दि डुप्लीकेट फॉर दी चेंज ऑफ लोकेशन एट्सेट्रा नाउ आई एम कमिंग टू दी एग्जामिनेशन सेंटर्स फॉर हैम इन इंडिया सो एग्जामिनेशन में भी कंडक्टेड एट एनी ऑफ़ ट्वेंटी सेवन वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग स्टेशन इन इंडिया द ट्वेंटी सेवन मॉनिटरिंग स्टेशन इन इंडिया आर दी हैम एग्जामिनेशन सेंटर्स ये सत्ताईस स्टेशन चार रीजनल हेडक्वाटर्स के अंतर्गत में आते हैं जिसमें से ईस्टर्न रीजनल हेडक्वाटर कोलकाता में सात सदर्न रीजनल हेडक्वाटर चेन्नई में सात नार्दर्न रीजनल हेडक्वाटर दिल्ली में और वेस्टर्न रीजनल हेडक्वाटर मुंबई में छः सेंटर्स हैं जो कि हैम एग्जाम सेंटर्स हैं इसका लिस्ट इस टेबल में दिया हुआ है जिसका डिटेल हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई टेक द एग्जामिनेशन एट एनी सेंटर द आंसर इज द एप्लीकेंट कैन चूज द एग्जामिनेशन सेंटर एट एनी वायरलेस मॉनिटरिंग स्टेशन आर इंटरनेशनल मॉनिटरिंग स्टेशन एज पर देयर कन्वीनियंस बट नो चेंज विल बी अलाउड आफ्टर सबमिशन ऑफ अप्लीकेशन एंड नैक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई चेंज द एग्जामिनेशन सेंटर आफ्टर एप्लीकेशन तो आंसर इज नो चेंज इन एग्जामिनेशन सेंटर इज नॉट परमिटेड आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन एंड नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज कैन आई चेंज द कैटेगरी ऑफ एग्जामिनेशन आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म तो आंसर इज नो चेंज इन कैटेगरी विल नॉट बी परमिटेड आफ्टर सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई अप्लाई फॉर बोथ जनरल एंड रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड आंसर इज यस ए कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर बोथ जनरल एंड रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड इफ ए कैंडिडेट पासेस इन बोथ द कैटेगरीज ए जनरल ग्रेड लाइसेंस विलूड इफ ए कैंडिडेट पासेस ओनली इन रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड आफ एग्जामिनेशन ए रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड लाइसेंस विल बीड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन आई अप्लाई फॉर द जनरल ग्रेड एग्जामिनेशन आफ्टर पासिंग रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड द आंसर इज यस इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर जनरल ग्रेड लाइसेंस You will need to apply again for the general grade even after the completion of the restricted grade examination. Next question is What is the pattern and duration of the examination? The answer is the examination consists of two parts. Part A is basic electronics, and Part B is radio regulation. The restricted grade examination consists of 25 questions, each in Part A and Part B, and is of for one hour. And general grade examination consists of 50 questions each in part A and part B and each for 2 hours. The general grade candidates will have to appear for a test in the transmission and reception of the Morse code. Next question is How many marks are needed to pass the examination? Answer is For restricted grade, the maximum marks will be 100 and candidate must secure at least 40 percent in each section and 50 percent in aggregate for a passing. एंड फॉर जनरल ग्रेड द मैक्म मार्क्स विल बी हंड्रेड ए कैंडिडेट मस्ट सिक्योर एट लिस्ट फिफ्टी परसेंट इन ईच सेक्शन एंड सिक्सटी परसेंट इन एग्रीगेट इज रिक्वाइर्ड फॉर द पासिंग इन एडिशन टू दिस कैंडिडेट शेल है मोर स्कोर्ड टेस्ट फॉर दिन ग्रेड अगला प्रश्न है कि क्या एग्जाम के लिए कोई एग्जामशन है तो एक आंसर है कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसके पास बी टेक या बी इलेक्ट्रॉनिक्स और टेली कम्युनिकेशन की डिग्री हो या बीएससी एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन में डिग्री हो या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विथ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन का सर्टिफिकेट और डिग्री है दोज कैंडिडेट्स आर एग्जमटेड फ्राम अपियरिंग इन पार्ट एग्जामिनेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू आई नीड टू टेक परमिशन टू पार्टिसिपेट इन ए हेम फेस्ट एट अदर लोकेशन आंसर इज़ नो नो परमिशन इज रिक्वायर्ड फॉर ए टम्परेरी चेंज ऑफ लोकेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू आई नीड टू इन्फॉर्म डब्ल्यू पी सी फॉर ए परमानेंट चेंज ऑफ एड्रेस आंसर इज यस यू नीड टू इंटीमेट डब्ल्यू पी सी विंग वेन देयर इज ए परमानेंट चेंज ऑफ लोकेशन यू कैन अप्लाई ऑन द सरल संचार पोर्टल वेन देयर इज ए परमानेंट चेंज ऑफ लोकेशन एंड पे द फी ऑफ रुपीज टू हंड्रेड फॉर रीइ्यू ऑफ द लाइसेंस एंड लास्टली नो पर्सन शेल स्टेब्लिश मेंटेन एंड वर्क एंड अमेचर वायरलेस टेलीग्राफ स्टेशन विदाउट एन अप्रोप्रिएट लाइसेंस अंडर दीज रूल्स अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा कि किस तरह से इंपोर्ट किया जा सकता है बाहर से कोई भी हैम इक्विपमेंट्स को और उसके लिए क्या रूल्स और प्रोसीजर्स हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग एच टी वी सिंपली वॉच एंड लर्न जय हिंद